शिक्षा बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर डीपी जारौली से सच बेधड़क के विशेष संवाददाता की खास बातचीत। प्रश्न एक, रीट पेपर लीक मामले में आपका क्या कहना है? जिस पर डॉक्टर जारौली का कहना है कि मेरा पेपर लीक से कोई लेना देना नहीं है, एसओजी जांच कर रही है और लगातार आरोपियों को पकड़ भी रही है, हम जांच में एसओजी को पूरा सहयोग कर रहे हैं। प्रश्न दो, क्या एसओजी ने आपसे या बोर्ड के अन्य कर्मचारियों और अधिकारियों से पूछताछ की है? इस प्रश्न पर डॉक्टर जारौली ने कहा कि एसओजी की टीम जब से जांच कर रही है तभी से बोर्ड के संपर्क में है, क्योंकि उन्हें विभिन्न आरोपियों के फॉर्म व अन्य दस्तावेज आदि की भी जांच करनी होती है। एसओजी 3 दिन से यहीं अजमेर थी। प्रश्न 3, पेपर के शिक्षा संकुल से लीक होने के खुलासे पर बोर्ड का क्या रुख रहेगा? जिस पर डॉक्टर जारौली का कहना है कि अभी इस बारे में कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी, क्योंकि जांच जारी है। हमने एसओजी को बता दिया है कि रीट के लिए जिला मुख्यालयों पर जिला कलेक्टर नोडल अधिकारी होते हैं। एसओजी को संबंधित विस्तृत जानकारी और पत्रावली मांगी है, जो उन्हें उपलब्ध करवाई जा रही है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे।